हेलो दोस्तों, संडे की इस खूबसूरत सी सुबह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स। और सुबह के बज गए हैं 10 और घर में सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। एज यूजल आप जानते हैं संडे का जो होता है नाश्ता सबका डिफरेंट ही होता है। पापा मम्मी को खाने थे पोहे तो उनके लिए पोहा बना के दे दिया था और पूजा मैंने अभी करी है। अभी देखिए मेरा दीपक जल ही रहा है। अभी मैं पूजा करके बस 10 मिनट हुआ उठी हूँ। और बच्चों को खाना था सैंडविच तो उन लोगों के लिए बनाया टमाटर प्याज। और मैंने आपको एक बार रेसिपी दिखाई थी टमाटर प्याज, उसमें नमक लाल मिर्च और टमाटो सॉस थोड़ी सी चिली सॉस मिक्स करके। और ये मेरी वान्या मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, बच्चे हाँ सब लोग नहा धो चुके हैं। और अब आई मेरे ब्रेकफास्ट की बारी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर मैंने चढ़ाई है अपने लिए चाय और इधर मेरे लिए बन रही है दलिया। क्योंकि भाई वैसे तो मैं पोहे खा लेती हूँ लेकिन इस समय ना चावल छोड़ रखे हैं और पोहे भी तो उसी से बने होते हैं धान से ना, तो इसलिए मैं पोहे नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया। भाई जब सबके लिए बना दिया सबके पसंद का तो अपने लिए भी तो कुछ स्पेशल बनाना चाहिए ना, तो मैंने सोचा मैं पहले दलिया बना के खा लूँ उसके बाद। बहुत सुंदर, ये देखिए बनने का कप कितना सुंदर है। और अब मैं जा रही हूँ, देखूँ चाय मेरी बन गई है, मैं चाय छान लूँ पहले। मुझे ये जगह हटानी है, यहाँ झोले, ये इसीलिए हैंगर लगवाया गया था ना क्योंकि सब्जियों सब्जी लाने वाले झोले और ये सब यहाँ पर अभी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले अपनी छान लूँ चाय और मैंने चीनी भी छोड़ रखी है तो चीनी की जगह मैं यूज़ कर, ऐसे नहीं मतलब जैसे चावल छोड़ा वैसे नहीं छोड़ा है, पर चीनी मैं बंद कर देती हूँ कुछ कुछ दिन में वेट की वजह से भी और मुझे शुगर होने से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ दिन में ना ये सब चीज़ें अवॉइड कर दो से ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ, ये भी नहीं है कि बिल्कुल नापसंद हो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो मैं ऐसे महीने मतलब एक आध महीने बाद फिर मैं एक दो महीने के लिए चीनी छोड़ देती हूँ और फिर मैं शुगर फिर मंगा लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये बैलेंस बना रहता है। वैसे मैं हमेशा चीनी कम ही खाती हूँ, एक्स्ट्रा किसी चीज़ में ऐसे नहीं लेती, लेकिन हाँ चाय वगैरह में भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है ना। तो ये है मेरी चाय रेडी है और मम्मी से पूछती हूँ कि खाने में क्या बनेगा। तो दोस्तों चाय ना मैं बहुत गर्म नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब पीती हूँ। तो चाय में मैंने नींबू डाल दिया और उसको रख दिया था कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जितना मैं पीती हूँ उतना ठंडा हो जाए उसके बाद चाय पीती हूँ। और मेरी दलिया बन रही थी तो मैंने कहा जब तक वो तैयार होती है तब तक मैं इस कमरे की बेडशीट वगैरह सही कर दूँ। बेडशीट जो पहले थी वो धुलने को डाल दी गई थी, ये दूसरी बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। और ये सब कामों में भी बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद तब फिर मुझे करना था अपना ब्रेकफास्ट। दोस्तों ये देखिए मेरा दलिया तैयार हो गया है और ये मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। मैं चाय बहुत गर्म नहीं पीती, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता तब पीती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ, आप भी आइए मेरे साथ संडे का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरे साथ एंजॉय कीजिए। बहुत टेस्टी दलिया बनाती हूँ, कभी आइए तो खिलाऊंगी ज़रूर। और उसके बाद मैं दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करके आराम से फिर लंच बनाना शुरू करती हूँ। दाल बनानी है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, चावल और रोटी बनानी है, फिर उसका खाना बनाना है। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों दलिया मेरी ख़त्म हो गई और मुझ में आ गई एनर्जी, तो अब मैं किचन में आ गई हूँ खाने का प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने दाल धुल करके चढ़ा दी है, मैं दाल नहीं खाती तो उसके अकॉर्डिंग ही, और शुभी दाल नहीं खाती। शुभी को बहुत समझाती हूँ पर वो नहीं खाती है, कितना उसको डांट चुकी हूँ समझा चुकी पर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। बहुत ज़िद करके कभी कभी दाल का पानी देती हूँ तो वो पी लेती है। और ये देखिए मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी, उसके बाद मैं किचन का स्लैब जो है उसको हटा रही थी, बर्तन वर्तन एक्स्ट्रा जो थे भगोना वगैरह वो सब हटा रही थी,
क्योंकि स्लैब पे बहुत भीड़ हो जाती है तो काम करने में समझ नहीं आता, फिर मतलब अजीब सा होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा लगे हाथ में ये बर्तन वगैरह भी धुल के हटा लूँ, ये चॉपर वगैरह सुबह सैंडविच के लिए जो टमाटर प्याज चॉप किया था तो वो सब अभी जूठे ऐसे गंदे ही पड़े हुए थे, तो ये सब क्लीन कर लिया। और मेरा कुकर ना पानी फेंक देता है कभी कभी, मतलब उसमें पता नहीं उसका वो शायद गास्केट जो होता है वो ढीला हो गया है, उससे मैं बड़ा परेशान रहती हूँ भाई। तो वो मैं उसको क्लीन कर रही थी, उसको हटाया, उसके बाद फिर से उसमें सही से लगाया उसका ढक्कन, और उसके बाद फिर मेरा देखिए बर्तन क्लीन हो गया, मैं पूरा स्लैब साफ़ कर दिया मैंने। उसके बाद मैं छत पे आ गई, सोचा जब तक दाल हो रही है तब तक मैं ऊपर पहले कपड़े डाला हूँ, हालांकि धूप बहुत तेज़ है फिर भी लगता है ना कपड़े टाइम से डाल दूँ तो सूख जाएँ शाम तक, क्योंकि दिन बहुत छोटा हो रहा है अब। तो मैं फटाफट कपड़े डाल के नीचे आ गई। बस दोस्तों मेरी रोटियां बन रही हैं, स्वामी जी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं, ये देखिए मेरी रोटियां बन रही हैं। बस रोटी हो जाए तो फिर पापा मम्मी को भी खाना दे दूँ। पापा मम्मी ऊपर ना कुछ सफाई वगैरह शायद करने गए हैं, सामान उमान। ये मेरे रॉकी महाराज जा रहे हैं टहलने, एक काम ये भी बढ़ा रहता है, बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं और खाना हो जाए तो फिर उन लोग को भी खाना खिलाऊं। मौसम में काफ़ी बदलाव हो गया ना इस समय, काफ़ी बदलाव दिख रहा है। दिन में अभी थोड़ी गर्मी लग भी रही है पर रात में तो अच्छी काफ़ी ठंडक हो जा रही है, बेडशीट वगैरह सोना तो पूरा एकदम लगता है जैसे। अब मेरा रूम मतलब ये अंदर फिर से मैं सोने वाली हूँ उसकी व्यवस्था बना रही हूँ। देखिए दिवाली के पहले मैं रूम एडजस्ट अपना कर लूँगी, एडजस्ट मतलब रूम सही कर लूँगी, तो दिवाली से पहले ही मुझे अपना रूम भी वो करना। अरे वाह ये देखिए मेरी वान्या स्कीपिंग सीख रही है, अब से मुझसे कह मम्मा, हाँ मम्मा एक बार देख लो, एक बार देख लो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ब्यूटीफुल, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए शुभी ड्राइंग बना रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। दोपहर के बज रहे हैं डेढ़ और शुभी मान्या ने खाना खा लिया, उनके पापा खाना खा करके गए, आप लोगों ने देखा ही। और अभी मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया, वो आ जाए खाना खाने फिर मैं भी खा लेती हूँ। अभी वैसे भी देर में दलिया खाया तो इच्छा भी नहीं है। और ये देखिए ये है सिंघाड़े, तब मैं सोच रही हूँ कि दो चार सिंघाड़े खा लूँ, कल पापा ले आए थे पर मेरे अलावा किसी ने नहीं खाए, और मुझे बहुत खास पसंद नहीं है पर मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि थायराइड में बहुत फ़ायदा करते हैं, बहुत जगह पढ़ा है सुना है कि थायराइड में सिंघाड़े बहुत फ़ायदा करते हैं, तो मैं कल से थोड़ी थोड़ी जब भी मन कर रहा है एक दो खा ले रही हूँ। बहुत क्या है इसको, क्या कहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई डिफरेंट नेम है तो बताइए। इसके कांटे बहुत अजीब से लगते हैं, ये इसको छीलने में बहुत आलस लगता है, बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि लाओ अभी मैं बर्तन धुलने जा रही थी, ये पूजा के बर्तन खाली हो गए हैं और किचन में अभी इन लोगों ने जो खाना वाना खाया और बनाए वाले बर्तन वो पड़े हुए हैं, तो फिर मेरा ध्यान इस पर गया, मैंने कहा लाओ दो चार पहले खा लेती हूँ उसके बाद फिर धुलते रहती हूँ, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं खाती हूँ सिंघाड़े और आप भी खाइए, अगर आपके यहाँ मिलते हैं तो ज़रूर खाया कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है और आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है, थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, सीज़न चेंज हो रहा है ना तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, पापा मम्मी छत पे हैं तो पापा सीढ़ियों से ना आ जाए इसलिए दुपट्टा लेके खड़ी हूँ, कायदा थोड़ा सा करना चाहिए है ना, बड़े हैं तो उनका लिहाज और कायदा बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए, मुझे इसमें कोई मतलब वो बात नहीं लगती है, करना चाहिए। तो मैं खाती हूँ सिंघाड़े पापा का। मैं देखा दोपहर के बज रहे हैं ढाई और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं रहती भाई, अब सब हो गया, थक गई हूँ, सारे काम हो गए, किचन पूरा क्लीन हो गया है, बर्तन वर्तन धुल के सब हटा दिए हैं, तो बस अब चल रही हूँ, एक घंटे तो रेस्ट करूँगी ही, उसके बाद उठूँगी तो फिर देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो कहते ना किस किस को देखिए किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:15 हो रहे हैं, मैं छत पे आई हूँ चाय लेके, मम्मी पापा को चाय दे दिया, मुझे छत पे उतारने हैं कपड़े, ये सब पड़े हुए हैं, गेहूँ समेटना हुआ है, तो मैंने सोचा कि
पहले चल के छत पे थोड़ी चाय पी ली जाए, उसके बाद ये सब काम किया जाए। मैं पहले ना समय शाम को सोचा कि थोड़ा सा लेट लूँगी, फिर फ़ोन देखने लगी तो फिर इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, सीमा जी, भास्कर जी और कीतू जी, ये सब लोग एक्टिव थे और लाइव चल रहा था, तो मैं वहाँ जुड़ गई, उन लोगों के साथ कुछ देर बातचीत करी, उसके बाद फिर लेटी हूँ। तो फिर 4:45 बजे आँख खुली है। अभी भी लग रहा है ना कि जैसे अब थोड़ी सी चाय जब अंदर जाएगी ना तो फ्रेशनेस आएगी। वही मैं सोचा पहले चाय पी लूँ और आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। और आप सबका संडे ऐसे बीतता होगा, है ना? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।